जोरा में नायब तहसीलदार पर गंभीर आरोप लगे हैं। फरियादियों का कहना है, नायब तहसीलदार बिना पैसे लिए काम नहीं करते हैं। मामला ग्राम पंचायत पचोखरा का बताया जा रहा है, जहां फरियादी सियाराम सोलंकी ने लगभग 6 माह से 2 नामांतरण के आवेदन लोक सेवा केंद्र जोरा से किए हैं, जिन्हें नायब तहसीलदार हरिओम पचौरी ने निरस्त कर दी है। इस विषय में मीडिया ने जब उनसे बात की तो उन्होंने प्रकरण की जानकारी न होने का हवाला देते हुए पल्ला झाड़ लिया। जोरा तहसील में आया हूँ, नायब तहसीलदार हरिओम पचौरी जी हैं भर्रा सर्किल के। मेरे नामांतरण को लगभग आज 6 महीने हो गए, मैं 2 बार उनको फाइल दे चुका हूँ लेकिन वो रिजेक्ट कर देते हैं। पैसे की मांग कर रहे हैं, मैं पैसा दे दूंगा तभी वो आदेश कर पाएंगे। मैंने कई बार मैं चक्कर काट रहा हूँ, मिलते नहीं है मुझे वहाँ पे। 488 और 489 दो मेरे प्रकरण हैं पचोखरा गांव के, आज मैं फिर आया हूँ। पश्चिमी मध्य प्रदेश के झाबुआ